हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्शल आर्ट ट्रैकिंग एंड इट्स ऋषभ हेयर। कैसे हैं आप सब लोग? तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेचिंग कैसे ओपन करनी है, तो उस पर अच्छा व्यू रहा। उस पर मुझे कमेंट मिली है कि स्ट्रेचिंग ओपन तो होती है लेकिन इतनी सी रह जाती, तो इतनी सी स्ट्रेचिंग ओपन करने के लिए आपको पता है क्या करना है? बॉडी को फुल वार्म अप करना है। बॉडी को वार्म अप कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जितनी भी एक्सरसाइज करता हूँ आपको अच्छे से करनी है। सारी एक्सरसाइज करके जब बॉडी वार्म अप कर लेंगे तो फुल स्ट्रेचिंग खुल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम हाथों से। देन सेकंड ये एल्बो पकड़ने बैक, नेक्स्ट राइट, जंप करना, आपको क्या करना है, लेग्स को ओपन करना है। वन देन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन। तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। तो फर्स्ट हम करते हैं वन टू फाइव, वन टू वन टू वन टू वन टू वन टू। देन सेकेंड लेग क्लिक करते हैं हम लोग, वन टू थ्री फोर एंड फाइव सिक्स। ओके फ्रेंड्स, यहीं से कन्वर्ट करते हैं वन, इसमें वन टू थ्री फोर फाइव। Then half down, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Okay, friends. Then pull down. Pull down में क्या करना है? Pull down में ये बैठ, यहाँ से हील अप नहीं होनी चाहिए, ये स्ट्रेट रहना चाहिए। और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी थ्री एक्सरसाइजेस एकदम कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ एक्सरसाइज हमें क्या करना है, नीचे ऐसे बैठना है, ये लैग को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और इस पैर को फोल्ड करना है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है और यहाँ से डाउन करना है। वन टू थ्री फोर फाइव, फिर चेंज करना है ये और इस पैर को बैक, इसको बिल्कुल स्ट्रेट। तो यहाँ से वन टू थ्री फोर एंड फाइव, देन कंप्लीट। तो सिक्स एक्सरसाइज हमें क्या करना है, सिक्स एक्सरसाइज में हमें अपने लेग्स को ओपन करना है, जितना ओपन होता है उतना करना है। लेग्स ओपन किया, नीचे हाथ लगाया और यहाँ पे पुशअप करना स्टार्ट किया। वन टू थ्री, लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है इस तरह। फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, फिर खड़ा होना है।
उसके बाद हमें क्या करना है, फ्रॉग पुशअप करनी है, देन वन एंड टू ऐसे कर लो, लेट्स ओपन हैंड सेट। तो इसका सेट ऐसे रहेगा, वन एंड टू, वन टू, वन टू, वन टू, वन। ओके फ्रेंड्स, तो 10 टाइम आपको ये करना है, और हमको अब करना है जंप। जंप करने से क्या होता है, बॉडी एक्स्ट्रा बम्प होती है, जिससे स्ट्रेचिंग खोलने में बहुत आसानी रहती है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नॉर्मल जंप करते हैं, और नॉर्मल जंप के साथ हमको करना है चेस्ट जंप। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। रेडी, वन टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा आप देख सकते हैं कि मैं पसीने में पूरा भीग गया हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरी बॉडी वार्म अप हो चुकी है, आप स्टिचिंग खोलने के लिए रेडी हो चुके हैं। आपको सारी एक्सरसाइज वही करनी है जो मैंने की है, हालांकि मैंने आपको 5 बताई हैं, 6 बताई हैं, लेकिन आपको 5-6 नहीं करना, आपको 20 and 10 करना है। ओके ना फ्रेंड्स, क्या तो अब आप चुके हैं, और हम रेडी हैं स्ट्रेचिंग ओपन करने के लिए। तो स्ट्रेचिंग ओपन कैसे करना है, एक साथ ओपन करके बैठना नहीं है, वरना लिगामेंट्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको स्लोली स्लोली स्ट्रेचिंग ओपन करनी है। ओके फ्रेंड्स, और स्ट्रेचिंग ओपन करने के बाद आपको इस पर पुश करना है, स्ट्रेचिंग पर, वन टू थ्री फोर। अब स्ट्रेचिंग ओपन हो गई, 5 6 7 8, देन आपको अपने हील्स पे आना है, हील्स को पुश कर देना है। हो गई ना ओपन स्ट्रेचिंग, यहाँ से ओपन करके बैठना है आपको, रिलैक्स, देन साइड टू साइड मूव, वन टू थ्री फोर फाइव, फ्रंट डाउन, हाथ सेट किया, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। अब स्ट्रेचिंग का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इतना खोलने के बाद आपकी स्ट्रेचिंग है, आप देख सकते हैं एकदम कम हो गई है। फिर से आपको अपने हाथों पे उठना है, ये फिर से पुश करना है, और फिर से बैठना है, फुल स्ट्रेचिंग ओपन है। अब आप इस पर कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको स्ट्रेचिंग ओपन करने के बाद जो बॉडी वॉर्म हो जाएगी, आपको स्ट्रेचिंग ओपन करना है, उस पर रेस्ट करना है। आप ऐसे ही 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6 मिनट रेस्ट करिए रोज़ाना, आपकी स्ट्रेचिंग 15 दिन में फुल ओपन हो जाएगी। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके फ्रेंड्स, देन वन टू और लेग चेंज, देन जंप। फ्रेंड्स, तो मैंने अपना काम कर दिया, आपको बता दिया कि आपको स्ट्रेचिंग ओपन कैसे करनी है। अब आपको पता है आपको क्या करना है, जैसे आपने पिछली वीडियो पे मेरे इतने सारे व्यूज़ दिए, आपको बस वही करना है। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। और आपको जिस चीज़ की वर्कआउट के बारे में पूछना है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको बाइसेप के बारे में पूछना है, ट्राइसेप के बारे में पूछना है, और किक्स, कोई भी किक्स मैं बता सकता हूँ आपको, आपको जो किक्स देखनी है मुझे बताइए, मैं उस किक का ट्यूटोरियल आपके लिए लाऊँगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, सॉरी फॉर लेट दिस वीडियो एंड।